बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव इंडिया आपके साथ मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लाइट 17 मई से बहाल हो रही हैं। 38 यानी कि 38 ममालिक के लिए, ये तो आप सब भाइयों को पता है। कुछ भाई मुझको भाई कमेंट कर रहे थे और सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ न्यूज इसके मुतल्लिक वायरल है और गाकर की तरफ से एक भाई न्यूज भी वायरल की गई है, यानी कि एक सवाल उनसे पूछा गया है उनके तर्जमान की तरफ से, वो भी आप भाई को सब डिटेल से शेयर कर देता हूं। पाकिस्तान से और इंडिया से, खासकर पाकिस्तान से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हो सकता है इंटरनेशनल फ्लाइट सऊदी अरब के लिए बहाल कर दी जाए। क्यों भाई? इमरान खान, वजीर अजम इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा साहब यहां पर मुकीम हैं और हो सकता है वो सऊदी गवर्नमेंट से कोई ना कोई इसके मुतल्लिक बात जरूर करें, जिसको देखते हुए सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहाल कर सकती है, कुछ शराइत वगैरह लागू होंगी। तो इसके ऊपर गाका की तरफ से अभी तक क्या इंफॉर्मेशन दी गई है वो आप भाई साथ इस वीडियो में शेयर कर देता हूं। सबसे पहले यहां पर आपको मैं पहले क्लियर कर दूं भाई, 17 मई को 38 ममालिक के लिए फ्लाइट सऊदी अरेबिया खोल रखा है, लेकिन अपने शहरियों के लिए, यानी कि तमाम तर सऊदी हजरात, सऊदी यहां की औरतें हैं, मर्द हजरात हैं, बच्चे वगैरह फैमिलीज हैं, वो इन 38 ममालिक में जा सकते हैं। हाँ, गाका के तर्जमान की तरफ से एक न्यूज वायरल की गई है, उसको भाई को दूसरा रुख ही देकर अवाम को पेश किया जा रखा है, वो आपको यहां पर मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आप देख रखे होंगे जी, गाका के तर्जमान इब्राहिम अल राउसा की तरफ से ये बयान जारी किया गया, यानी कि अखबारी चैनल को वो एक इंटरव्यू दे रखे थे, उसी के दौरान उनसे ये एक सवाल पूछा गया था कि क्या फिलिपीन और कोरिया जैसे ममालक, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, ये फिलिपीन है, ये कोरिया जैसे ममालक हैं, इनमें इस वायरस के केसेस काफी ज्यादा हैं, तो वहां की फ्लाइट्स के मुतल्लिक आपका क्या रद्द अमल होगा। तो उनका यही कहना था आगे से कि इन ममालक कोई सूरत हाल को हम रोज ब रोज देख रहे हैं और आने वाले वक्त में भी देखते रहेंगे, इनमें जैसे ही केसेस की तादाद कम होगी तो इन ममालक में भी सफर करने की इजाजत मिल जाएगी सऊदी हजरात को। जी मेरे भाई, ये नहीं कहा गया है कि इन ममालक को इजाजत मिल जाएगी सऊदी अरेबिया में एंट्री के मुतल्लिक, कहा यह गया है कि इन ममालक में जाने की इजाजत मिल जाएगी सऊदी हजरात को। तो इसके मुतालिक जो भी सोशल मीडिया पर न्यूज वायरल हो रही हैं और वजीर अजम और बाजवा साहब को लेकर जो भी न्यूज वायरल की जा रही हैं पाकिस्तान और इंडिया की फ्लाइट्स को लेकर, वो भाई अभी तक सरासर झूठ है, जो साफ सीधी बात मैं आप भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूं। इसके मुतालिक कोई भी किसी किस्म की कोई न्यूज, कोई भाई इंटरव्यू, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन वगैरह किसी से अभी तक नहीं कहा गया है कि पाकिस्तान या इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट बहाली को लेकर सऊदी हजरात के जाने के ऊपर बात की गई है, ना के पाकिस्तान और इंडियन हजरात के यहां पर आने के ऊपर। हां, वजीर अजम इमरान खान, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ये बाजवा साहब की तरफ से इसके मुतल्लिक कोई भी बात की जाती है वो सोशल मीडिया पर जैसे ही आएगी वो आप भाइयों के साथ वक्त-फ़क्त मैं जरूर शेयर करता रहूंगा। अभी तक की इंटरनेशनल फ्लाइट सऊदी अरेबिया की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भाई यही आ रही है।